तो दोस्तों हम निकल लिए फिर अपने सफर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले डेढ़ महीने से मैं YouTube से लापता था, तो आप लोगों को कैंपिंग की वीडियोस वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो फिलहाल मैं घर से निकल पड़ा था सुबह 6 बजे के आसपास। तो मैं अभी जो हूँ अपना लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पे हूँ। तो थोड़ी देर में हम लोग जीरकपुर पहुंचने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को अपनी कैंपर वैन भी दिखा दी, जो कि अपनी नॉर्मल कार थी जिसको हम लोगों ने कैंपर वैन में कन्वर्ट कर दिया। इस बार अपनी कैंपर वैन फुली लोडेड है, क्योंकि आप लोग कुछ समझ सकते हैं हिसाब से किस लेवल के हम लोग कैंपिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं रुका था छोटी सी ब्रेक के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आप लोग बियर ना समझना, एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक है, बियर नहीं है। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने सुंदर सफर के लिए, जो कि अपना सफर रहेगा 12 से 13 दिन का। तो बहुत बढ़िया सी वीडियोस आएंगी, बहुत बढ़िया से व्लॉग्स आएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो मैं आपको इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप सबसे पहले मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो करो, कि हर टाइम की अपडेट, हर दिन की अपडेट वहीं पे आप लोगों को मिलेगी। तो सुबह सुबह मैं अपनी पूरी वुलन की जैकेट पहन के निकला था, तो मतलब सुबह ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन पूरी ठंड रहेगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अपना फटाफट टी शर्ट डाल दी जाए। जैकेट तो मैंने उतार दी, नीचे मैंने ये वुलन का डाला हुआ था टी शर्ट, तो ऐसा लग रहा है कि हाफ बाजू टी शर्ट में आ जाए। जब मैं सुबह निकला था तो मतलब इतनी ठंड थी, इतनी धुंध थी रोड पे, कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रोड किस साइड जा रहा है। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मौसम एकदम क्लियर हो चुका है, तो हम लोग फटाफट से खींचेंगे, क्योंकि आज की अपनी डेस्टिनेशन है जो कम से कम 300 किलोमीटर की है। तो 300 किलोमीटर मान लो कि हमें लगने वाला है 7 घंटे। तो हम लोग फटाफट अपनी लोकेशन पर पहुँच के सबसे पहले अपना कैंप लोकेशन ढूंढेंगे। फाइनली गाइस, अपने पहाड़ शुरू हो गए हैं। तो पहाड़ों में आके मैंने सोचा नहीं था कि नवंबर में भी इतनी गर्मी होगी। नवंबर खत्म होने को है आज, 29 तारीख है, जैसे कि मतलब 29 तारीख होगी है, तब अभी भी सर्दी का नामो निशानी है पहाड़ों में। तो जिस हिसाब से मैं कपड़े लेके आया हूँ, मुझे लग रहा है कि नए गर्मियों के कपड़े यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे मुझे। क्या बात है भाई साहब, बीच में रोड और चारों तरफ अपने जंगल ही जंगल, देख रहे कितना घना फॉरेस्ट है। मतलब मजा आ रहा है गाड़ी चला के यहाँ पे। और ट्रक वाले भाई साहब जो सामने चल रहे हैं, पीछे आधा घंटा हो गया, किसी को साइड नहीं दे रहे, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, अपनी मगन में। तो सभी हॉर्न मार रहे हैं कि भाई साइड दे दे, लेकिन ट्रक वाले भाई साहब साइड देने को तैयार ही नहीं है। बीच बीच में जहां जहां धूप आती है वहां गर्मी लगने लग जाती है, जहाँ जहाँ छाँव आती है मतलब एकदम ठंडा चिल्ड की अभी की अभी जैकेट पहन लो, इतना जबरदस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो हाँ जी दोस्तों, मैं अभी ही फ़िलहाल के लिए मसूरी से 30 किलोमीटर आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके एक होटल बुक कर लिया है, जो भी रिसेंटली नया ही बन रहा है। तो होटल लेने का अपना कारण यह है कि आज अपने साथ बहुत बुरा हाल हुआ। मतलब आज अपने साथ इतना बुरा हुआ ना कि कभी हुआ नहीं होगा। जब से मैं सुबह से घर से निकला हूँ, मतलब मैंने एक ही जगह रुका, मैंने सिर्फ लंच किया, हल्का फुल्का लंच किया, तो उसके बाद आगे मैं कहीं नहीं रुका। देहरादून पहुँचने वाले थे, देहरादून पहुंचते मिला ट्रैफिक,
ट्रैफिक भी इतना सारा कि मैं आपको क्या बताऊँ वहाँ पे फंसा रहा कितनी देर। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए टाइम हो चुका है, रात के 9 बजने वाले हैं, तो लोकेशन कैंप लोकेशन कोई मिल नहीं रही थी, तो फिलहाल के लिए मैंने यही होटल स्टे कर ली। इस साइड से पूरा देहरादून सिटी और मुस्कुरी दिखता है, वो सामने मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, सारी देहरादून सिटी दिखती है उस साइड से। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अपना हम लोग अपना डिनर बनाने लगे थे, तो डिनर में अब सोचते हैं कि क्या बनाना है। तो मैं सेटअप अपना पूरा रेडी हो गया है, दाल मखनी दोस्तों की रेडी। ये चार मैं थोड़ा सा घर से ले आया था। ये तो 5-star खाना खाएंगे हम। भाई अपना लंच हो गया रेडी, तो दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, रेडी रेडी। तो दाल मखनी सी थोड़ा सा हमने मक्खन डाल के स्कोर करारा कर दिया, अचार और अपनी दो चपाती। आइए करिए नाश्ता। ये अपने दुबे जी यहाँ के ओनर, क्या नाम है आपका वैसे? सुरेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, तो ये लोकेशन कौन सी पड़ती है जहाँ पे हम रुके हैं अभी? ये अपना धनोल्टी, धनोल्टी में पड़ता है। तो अपना कुछ ऐसा सिस्टम है रेडी है अभी, तो खा के मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। बाकी होटल का जो रिव्यू है मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, और टूर भी सुबह दिखाऊंगा आपको होटल का। हमने लंच वंच करके सारी पैकिंग कर दिया दोबारा, क्योंकि अब नींद आ रही बहुत ज़बरदस्त, तो अब सोने का प्लान है। ये अपना दारू का गिलास नहीं है भाई, कोल्ड ड्रिंक पी के आता था मैं कुछ गलत ना समझना। तो कुछ ऐसा अंधेरा हो रखा है इधर पूरा ज़बरदस्त, देख रहे हो? मतलब पूरी सिंगल रोड है। ये अपना होटल जो सामने आप देख रहे हो ना अभी, वो सारी देहरादून सिटी है। मतलब होटल इतना बढ़िया व्यू है ना, ये नीचे सारी इनकी कैंप साइड है। इधर सुबह दिखाऊंगा मैं आप लोगों को सारा कैंप के लिए इन्होंने बनाया। अभी रिसेंटली 2 दिन हुए खुले हुए, और पहले कस्टमर इनके हमें जैसे कि देख रहे हो, काम वगैरह चल रहा है इनका। तो ये है अपना रूम, आज का अपना शहना, यहाँ पर हम सोएंगे अपना आराम से पसर के। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो क्योंकि आज का दिन अपना बहुत ही हैडिक था, मतलब तो दिन की शुरुआत ही मतलब अपनी दिन बेकार हुई है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, बुरा हाल हो गया इतना। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों के लिए। वीडियो जो आएगी कैंपिंग की एकदम ज़बरदस्त बढ़िया वाली वीडियो लेके आऊँगा मैं।